आज सैटरडे है और अभी कुछ सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ राइड पे अपने एक फ्रेंड के साथ। बताया कि उसने न्यू बाइक खरीदी है, तो उसकी राइड पे आज हम जाएंगे उसके साथ। और मैं बाइक राइड नहीं करूँगा, मैं आज बेसिकली आज पिलियन राइडर हूँ, मैं उसके साथ पीछे बैठ कर ही जाऊँगा। रिक्शा वाले भाई साहब को लगा मैं आज इनके लिए रुका हूँ, तो रुक कर देख रहे थे कि शायद मुझे चलना होगा। ये रिक्शा वाले भी अजीब होते हैं, जब हम रुकाते तब रुकते नहीं है, और अभी जब नहीं पूछा तो रुक गए। शायद अगर आप मुंबई से हो तो आपको पता होगा कि आप रिक्शा वालों को बोलोगे भैया रुको, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो नखरे करते हैं यहाँ वहाँ जाने में, नहीं जाते। अगर उनको प्रॉपर मीटर मिला तो ही जाते हैं, वरना नहीं जाते। फाइनली अविनाश आ गया। फाइनली अविनाश अपनी डोमिनार पे आ गया है। तो पहले अविनाश के पास KTM 200 थी, उसके बाद उसके पास KTM 390 थी, और अब उसके पास डोमिनार 400 है। राइट, सो दिस इज माय फ्रेंड अविनाश, और आज इसके साथ ही मैं पिलियन राइड कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ, अभी फिलहाल ऐसा कुछ डिसाइड किया नहीं है। मुझे देखो मालूम आज मेरा लकी डे था, मुझे सब रिक्शा वाले आगे पूछ के जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहा है। नॉर्मल डे पे बोलेंगे, नॉर्मल डे पे बोलेंगे, हम पूछेंगे बोलेंगे भैया चलो तो जाते नहीं हैं। पहुंच चुके हैं अभी, और बस यहाँ से थोड़ी दूर जाना है अभी। तो ये है विरार टोल, काफ़ी ठंडा लग रहा है, बहुत मज़ा आया, काफ़ी ठंडा लग रहा है समर के बीच में। मैं इसलिए तो जैकेट पहन के आया हूँ। फाइनली गाड़ी इतनी भगा भगा के हम लोग सातीवाली पहुंच गए। मेरे फ्रेंड की आंटी का होटल है, तो मैं यहाँ हमेशा आते रहता हूँ। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, और वहाँ एक छोटा नदी है, और यहाँ और 2-3 कुंड है। चलते हैं जाते हैं वहाँ पर। नमस्कार दादा, मी सौरभ चंद्र। काही खायला आता? खायला गरम भाजी, वडा वडा काम तर। जैसे कि मैं बता रहा था, ये मेरे फ्रेंड के आंटी का होटल है, तो थोड़ा यहाँ बैठकर 2 मिनट रात की सांस लेंगे, और फिर थोड़ा ये एरिया एक्सप्लोर करेंगे। नाश्ता हो गया, और जो चीज़ हम लोग आज देखने आए हैं अभी वहाँ जाएंगे। जूते चप्पल हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, मतलब गर्म पानी का झरना है यहाँ पे, नेचुरल है, जिसे हम गीजर्स भी कहते रहे, गीजर्स भी बोलते हैं ना कोई भी। और ये काफ़ी सालों से है यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। हाँ, बट हम लोग वहाँ जाएंगे एक्चुअली। ये मेन सोर्स है गर्म पानी के कुंड का। यहाँ से एक जेंट्स के लिए जाता है और एक लेडीज़ लोग के लिए जाता है। तो जेंट्स लोग वहाँ पे उस कुंड में स्नान कर सकते हैं, और ये लेडीज़ लोग के लिए यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है, एनक्लोज्ड है पूरा। तो इसका साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि नीचे ना ज्वालामुखी है एक्चुअली, बहुत नीचे।
इसलिए यहाँ पे गर्म पानी आता रहता है ये एरिया में। और यहाँ पे लॉर्ड शिव जी का टेंपल भी है, तो इसके पीछे एक माइथोलॉजी स्टोरी भी है जो मुझे एक्चुअली ठीक से याद नहीं है, बट वो आंटी आएगी तो वो बताती है, उनको पता है। तो ये गर्म पानी का कुंड है, इतना गर्म है ये कि तू जा नहीं सकता अंदर। यहाँ पे तीन कुंड है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा गर्म है और ठंडा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा। अच्छा ऐसा है। हाँ तो स्नान करके हो गया। मला सांगा ना जागेबद्दल। ही तशी जागा ना खूप म्हणजे पुराण काळापासूनच आहे, यादव कालीनच आहेत ते कुंड। पूर्वी डबके होते, नंतर मग कसं थोडं थोडं डेव्हलप करत गेले, मग होत गेले ते मंदिर वगैरे बांधले। आणि पूर्वीपासून मंदिर आहे, शंकर मंदिर आहे आणि गरम पाण्याचा कुंड। किती वर्ष मंदिर? यादवकालीन। अरे बापरे। आणि याचा ना नवनाथ पुराणामध्ये उल्लेख आहे, नवनाथ पुराण महाराज इथे येऊन गेले म्हणून नवनाथ महाराजांचा मठ आहे। ओके। नवनाथ पुराणात उल्लेख आहे, वज्राई देवी बरोबर त्यांची काय पैज लागली होती की तू गरम पाणी म्हणजे करू शकते सिद्धीनी, तर मी पण सिद्धीनी माझ्या गरम पाण्याचं एक करू शकतो, त्याच्यामुळे पण गरम पाणी आलं। आणि सायंटिफिक दृष्ट्या खाली ज्वालामुखी आहे, त्याच्यावरचं पाणी तो तर गंधकाचं आहे, त्याच्यामुळे गरम आहे। थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच। चल भाई, जा संभाल के, मिलता हूँ।